हाय फ्रेंड्स, मैं अनप्रिया। वेलकम टू माय देशी कुकिंग। ईट देशी ईट हेल्दी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा झटपट सा बनने वाला बंगाली पोहा। तो आप भी खाइए और बताइए कैसा लगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने तेल को जो है गरम किया है और इसमें मैं डालूँगी जीरा। जीरा डालने के बाद इसी में मैं आधा चम्मच सौंफ डालूँगी, इससे जो टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसी में मैं डाल दूँगी काजू। काजू को थोड़ा सा होने देंगे। किशमिश, और यहाँ पे मेरा ये जो मूंगफली है ये भुना हुआ है, बट इसी में डाल दूँगी। आप कच्ची मूंगफली इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद इस सबको थोड़ा सा हल्का सा दो मिनट जो है हम लोग काजू को थोड़ा सा भुनेंगे। तो यहाँ पे काजू देखिए ऐसे हो गए हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। मैंने यहाँ पे दो छोटे छोटे बारीक प्याज डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्ची है। इसे डालने के बाद इसे चला लेंगे। और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे प्याज को। इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा टेस्ट अनुसार नमक। और यहाँ ये झटपट कैसे बनेगा, यहाँ पे उबला हुआ मैंने आलू लिया है दो, तो इसको डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा चीनी। चीनी से टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप इसकी जगह पे चीनी या गुड़ यूज कर सकते हैं। और इसको डालने के बाद इस सबको अच्छे से मिला के, तो यहाँ पे ये सब भूनते हुए इसी में मैं तीन से चम्मच मैं डालूँगी पानी। प्लेन पानी है ये, रूम टेम्परेचर वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा। और इसको थोड़ा सा मैं ढक के दो मिनट सारे चीज़ों को अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पे ढक्कन को हटा के देखते हैं। दो मिनट होने के बाद यहाँ पे मैंने पोहे को जो है थोड़ा सा भिगो के पानी में डाल के पोहे अच्छे से धो के पानी निकाल के आधा घंटा के लिए रखा था पोहे को। अब मैं इसी में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए सबको अच्छे से मैंने मिला लिया पोहे में। और इसको जो है ढक के मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी धीमी आँच पे। 5 मिनट हो गए, ढक्कन हटा के देख लेते हैं। और देखिए सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गया है और इसको आप खा सकते हैं गर्मा गर्म। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूँ आपको।